हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जीसान अली। और यार ठंडे में बोला भी नहीं जा रहा इस टाइम ना, बहुत ही ठंडा हो गया। और तकरीबन अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आप देख रहे हैं पीछे मेरी स्नोफॉल रेगुलर पड़ रही कल से, और कम से कम 3-4 फुट ही पड़ चुकी है। और ना लाइट है ना पानी है, और क्या कहते हैं बिल्कुल कल तकरीबन 2 बजे से यहाँ पर लाइट भी नहीं है। तो कंटिन्यू कल से यहाँ स्नोफॉल हो रही है, लगातार पड़ रही है। और ऐसा हो गया मतलब ठंडा बिल्कुल, और बिस्तर में पूरा जो है पूरा नैनीताल जो है बर्फ़ से जो पूरा ढक गया है, और पूरी जो छतें हैं पूरी वाइट हो गई है। अभी मैं आपको बैक कैम से दिखाता हूँ कि 3-4 फुट पड़ गई है बर्फ स्नोफॉल। तो चलिए चलते हैं बैक कैम से, मैं दिखाता हूँ स्नोफॉल। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी भी कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है नैनीताल में। और इस टाइम मैं अपने घर से ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे का जाने का बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि लाइट भी नहीं है कल से, और मोबाइल में बैटरी भी नहीं है। कम से कम 10% की बैटरी इसमें बची हुई है, और लाइट आना आज भी इम्पॉसिबल, मतलब आज भी लाइट नहीं आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वायर के ऊपर भी बर्फ़ जो है जम गई है। और तकरीबन आप देख रहे हैं कि ये 2-3 फुट से ऊपर पड़ गया। अभी छत में देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मतलब 2-3 फुट को पड़ गई है, और अभी भी कंटिन्यूस ये पड़ने में लगी पड़ी है। आइए देख सकते हैं आप, ये कंटिन्यू पड़ने में लगी है। और पेड़ आते मतलब इस टाइम तो यार ऐसा लग रहा है ना कि पेड़ भी मतलब टूटने का इसमें डर रहता है। जैसे ये पेड़ है ना, अब इसमें स्नोफॉल जम गई है जो टूटने का भी डर रहता है। और तकरीबन पूरे नए अभी भी कंटिन्यूस पड़ रही, पता नहीं कब तक पड़ेगी। आज मतलब आज है शुक्रवार का दिन, तो शाम को 7 बजे तक ही बताइए कंटिन्यूस पड़ती रहेगी। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है, शाम तक ही लाइट कब तक आती है नहीं आती। लेकिन मैंने सोचा कि एक व्लॉग अपना अपलोड कर देता हूँ, उसके कारण मोबाइल बंद भी हो जाएगा, तो कुछ वो नहीं है। लेकिन ये बर्फ़ जो है ये आपको 2 हफ्ते तक देखने को अब मिल जाएगी। आप जल्दबाजी ना करें, आप अगर आना चाह रहे हैं नैनीताल तो कल या परसों में संडे तक नैनीताल आइए, आपको अब बर्फ़ जो है आराम से देखने को मिल जाएगी। और मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बर्फ़ पड़ने में है, ये देख सकते हैं। और मोबाइल में बैटरी ना होने की वजह से इसलिए मैं आज अभी ये जो है व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं मतलब स्टूल देख रहे हैं कहाँ तक पड़ चुकी है, ये देखिए यह कुछ इस प्रकार से।
और अभी भी ना और घनी हो गई है, आप देख सकते हैं और घनी पड़ने लग गई है। ये देख सकते आप कि ये घनी पे घनी होती जा रही है। ये तो कुछ इस प्रकार से है और नीचे की तरफ फॉग भी लगा है और कंटिन्यूसली पड़ती जा रही है। पता नहीं कितनी बढ़ गई है नहीं। ये तो नैनीताल में बर्फ की सभी चादर से लगभग पूरे नैनीताल के घर ढक चुके हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस टाइम अभी भी नैनीताल में स्नोफॉल कंटिन्यू गिर रही है और आप देख सकते हैं ये, और देख रहे हैं आप छत का क्या हाल हो गया है, ये पूरी जम गई है। और इधर भी मतलब स्नोफॉल इतनी कंटिन्यूस पड़ने में लगी है अभी भी। ये देख सकते हो आप, ये तो यार ये रिकॉर्ड तोड़ स्नोफॉल इस टाइम नैनीताल में हो गई है और रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने इतने सालों का। और अभी भी पढ़ने में है। ये देख सकते हो आप, तो यह है स्नोफॉल नैनीताल की रिकॉर्ड तोड़। आज है 4 फरवरी 2022, दिन है शुक्रवार का और कंटिन्यूस पड़ने में है। तो ये था मेरा ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा मेरे चैनल जिसाने नैनीताल को, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लॉग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फिर फैमिली में सब जगह शेयर कीजिएगा। नैनीताल में इतनी बर्फ और रिकॉर्ड तोड़ ये बर्फ इस बार नैनीताल में गिरी है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।